हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ ममार्थ एक्वा ग्लो फेस सीरम विद हिमालयन थर्मल वाटर एंड हाइलोरोनिक एसिड फॉर 72 हाइड्रेशन के बारे में। फ्रेंड्स, इस फेस सीरम का प्राइस है 699 रुपीज़, जिसमें आपको 30 ml क्वांटिटी मिलती है। और दोस्तों, आज का ये जो रिव्यू है, ये मैं एक बॉटल को फिनिश करने के बाद शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बॉटल बिल्कुल खाली हो चुकी है, इसमें बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं है। इसमें यहाँ पर सिर्फ इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी है, जिसे मैं 2-3 बार यूज़ कर सकती हूँ। सो आप देख सकते हैं कि ये बॉटल फिनिश हो चुकी है। चलिए मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। सो ये पंपिंग बॉटल में आती है, ट्रांसपेरेंट बॉटल में आती है। इसका जो टेक्सचर है वो जेल काइंड ऑफ टेक्सचर है। और फ्रेंड्स, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही लाइट वेट है। ये फेस सीरम स्किन में क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती है और बिल्कुल भी चिपचिप फील नहीं होती है। और स्किन को ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती है। इसको अप्लाई करने के बाद स्किन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लगती है और बिल्कुल भी चिपचिप फील नहीं करती है, ना ही ये स्किन पर हैवी फील होती है। सो आप देख सकते हैं अप्लाई करने के बाद आपको इसे अपने फेस पर कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपको अपने फेस को वॉश करना है, उसके बाद आपको टोनर यूज़ करना है, और उसके बाद आपको ये फेस सीरम यूज़ करनी है। फ्रेंड्स, ये फेस सीरम कि आपको थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है और अपने फेस पर डॉट डॉट बना लेने हैं। उसके बाद अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से आपको इसे अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कर लेना है, मसाज करते हुए। फ्रेंड्स, ये फेस सीरम सूटेबल है ऑल स्किन टाइप के लिए और बोथ मैन एंड वेमेन इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हिमालयन थर्मल वाटर एंड हाइलोरोनिक एसिड। हिमालयन थर्मल वाटर हमारी स्किन को नरिशमेंट देता है, हमारी स्किन को कंडीशनिंग करने का काम करता है। ये हमारी स्किन में डीपली पेनिट्रेट होकर हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, लंबे टाइम तक हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। इसमें हाइलोरोनिक एसिड है, हाइलोरोनिक एसिड भी हमारी स्किन से ड्राइनेस को दूर करके स्किन को हाइड्रेट रखता है लंबे टाइम तक और हमारी स्किन को यंगर लुकिंग स्किन बनाता है। इसके साथ ही इसमें एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल हमारी स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है और हमारी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ सापल बनाता है। सो ये फेस सीरम हमारी स्किन को हाइड्रेशन देती है, लंबे टाइम तक हमारी स्किन को हाइड्रेट रखती है और उसके साथ साथ हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाती है, यंगर लुकिंग स्किन बनाती है। फ्रेंड्स, मैं इसे मोर देन 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, जैसा कि मैंने इसकी पूरी बॉटल फिनिश कर दी है। सो इसको यूज़ करने के बाद मेरी स्किन में बहुत सारा डिफरेंस आया है। फर्स्ट तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड ग्लोइंग लगती है। और फ्रेंड्स, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करती है, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रखती है और बहुत लंबे टाइम तक मॉइस्चराइज रखती है। ये इसकी एक बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि ये क्लेम करता है कि ये आपको 72 आवर्स का हाइड्रेशन देता है। सो अगर आप इसे डे में अप्लाई करते हैं तो नाइट तक आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होती है। फ्रेंड्स, मैं इसे डे में यूज़ करती हूँ, उसके बाद नाइट में फेस वॉश करने के बाद ही यूज़ करती हूँ और दिन में मुझे मेरी स्किन बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होती है। और स्पेशली अभी विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाए। सो ये प्रोडक्ट उनमें से एक है। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया, मुझे इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही लाइट वेट है, स्किन में क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती है और फ्रेंड्स, स्किन पर बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होती, ना ही बिल्कुल चिपचिपी लगती है और स्किन को बहुत अच्छे से ये हाइड्रेट रखती है। सो फर्स्ट डे से ही ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, बट मैंने सोचा कि मैं इस बार 1 बॉटल फिनिश करने के बाद ही आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ऑनेस्ट रिव्यू 1 बॉटल फिनिश करने के बाद। पूरी बॉटल फिनिश करने के बाद मैंने देखा कि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, स्किन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड ग्लोइंग लगती है, स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ सापल लगती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जो मेरी स्किन पर इतना ग्लो आ गया है। सो आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन पर ग्लो आए, आपकी स्किन भी यंगर लुकिंग स्किन लगे और स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्रेश एंड हेल्दी लगे, तो आप इसे एक ट्राई ज़रूर दें। स्पेशली विंटर में ये एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है जो आपके पास होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप भी कोई अच्छा फेस सीरम ढूंढ रहे हैं या कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं जो आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखे और स्किन पर ग्लो भी लेकर आए, तो आप इसे एक ट्राई ज़रूर दें। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं, इसको एक ट्राई देना चाहते हैं, तो मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर लेना। फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास ही में एक बेल आइकन है उसको फटाफट से प्रेस कर देना है ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।